जय एमपी जी, मैं आपको एक चुटकी हल्दी का कमाल बताने जा रहा हूं। एक चुटकी हल्दी आपके भाग्य को बदल सकता है, आपके समय को बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। मात्र एक चुटकी हल्दी। नहीं भरोसा है? कोई बात नहीं, कर देखिए। जिन्होंने किया उसका भाग्य संवर गया। कुछ लोग कहते हैं कि लोग सिर्फ बताते हैं उनका कितना संवरा, मेरा भी संवरा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किस प्रक्रिया को करने से मेरा भी भाग्य संवरा। एक चुटकी हल्दी जो आपको बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। एक चुटकी हल्दी करना क्या है उसे? एक चुटकी हल्दी बृहस्पतिवार के दिन आप स्नान करने जाते हैं, एक चुटकी हल्दी उस जल में डाल दें और उस जल से स्नान करें। स्नान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मात्र 3 बार बोल दीजिए। सज्जनों, आपके भाग्य में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, स्नान ध्यान किए, उसके बाद आप पूजा करने जाते हैं। पूजा करने जाते हैं तो आप तिलक लगाएं हल्दी का। अगर आपके पास व्यवस्था हो, केसर का भी तिलक लगा सकते हैं, अष्टगंध का भी तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि अष्टगंध में भी हल्दी होता है, उसमें तिला। अगर नहीं है तो सिर्फ हल्दी, एक चुटकी हल्दी लें, अपने हाथ पर रखें, उसको घोल लें। घोलने के बाद जो है अपने ललाट पर लगाएं। ललाट पर लगाने के बाद कंठ पर, कंठ के पास भी लगाएं। कंठ के पास लगाने के बाद आप नाभि पर जरूर लगाएं उस हल्दी को। आप इस क्रिया को करें, इतना चमत्कारी परिणाम मिलेंगे, इतना चमत्कारी परिणाम मिलेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। आप सर्विस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, आप लगाकर देखें जाएं। आपको उस दिन जो लोग भी मिलेगा उसमें आपको परिवर्तन दिखाई देगा। कटु सत्य है, आप लगाकर देखें। सिर्फ एक चुटकी हल्दी, और हाँ, सिर्फ एक दिन लगाने से नहीं होगा, इसको लगातार अपने नियमित क्रिया में रखें। प्रतिदिन कुछ दिनों तक लगाएं। हल्दी जो है शुभता का प्रतीक है। हल्दी जो है भगवान विष्णु को भी प्रिय है, पीला रंग भगवान विष्णु को भी पसंद है। और आप वही करने जा रहे हैं जो परमात्मा को पसंद है, वही कार्य आप करने जा रहे हैं। इस कार्य को करें। आप नहीं पूजा करते हैं, नहीं पाठ करते हैं, कोई बात नहीं, एक श्रद्धा तो रखते हैं परमात्मा के प्रति, एक विश्वास तो रखते हैं, तो आप इस विश्वास को मानकर करिए कि नहीं, मैं तिलक लगा रहा हूं और तिलक लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम का जाप जरूर करें। कंठ के पास लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें। नाभि के पास लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें। इतना करें, आपके जीवन में अपार सफलता हासिल होगा। इस सफलता को प्राप्त कर आप फूले नहीं समाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।